हापुड़ में एक फैक्ट्री के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आसपास की 20 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये जो है लगभग 15-20 झुग्गियों में हैं, 15-20 झुग्गियाँ हैं ये, इनमें आग लगी है, बाकी हमने बचा भी लिए हैं जी। ये जो है साइड में देख रहे हैं आप, इधर साइड में भी है, तो ये झुग्गियाँ बची हुई हैं और ये इधर 15-20 झुग्गियाँ हैं जिनमें आग लगी है और इन्हीं झुग्गियों को बचा, इनमें मतलब जो है आग बुझा रहे हैं। तो सर अभी इसमें किसी कैजुअल्टी का भी कोई? अभी जब जाँच करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी हमें आग बुझा के तब उसके बाद ये सब चीज़ें करेंगे, बात करेंगे, फिर देखेंगे, इनसे जानकारी लेंगे, तब बताएंगे। वहीं सिद्धार्थनगर में आग ने करीब 20 जगहों पर अपना कहर बरपाया है। बताया जा रहा है कि इस महीने लोग खेतों में फसल के डंठल जला रहे हैं और तेज हवाओं के चलने की वजह से आग फैल रही है। वहीं फायर अधिकारी ने बताया कि वो आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में सूचनाएं आई हैं, करीब 20 जगह आग लगी है, अलग अलग थाना क्षेत्रों में। हवा काफी तेज चल रही है और कई जगह खेतों में डंठल जला रहे हैं लोग, उससे भी आग फैल रही है और उसमें त्वरित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी संसाधन हमारे पास है तुरंत मौके पर पहुंचे और पहुंच रही है। हर जगह पुलिस टीम ने अटेंड किया है, हमारी फायर की गाड़ियां पहुंच रही हैं और कैजुअल्टी की अभी कोई सूचना नहीं है। और सामान्य रूप से कुछ लोग हैं जो हल्के फुल्के, एक दो लोग हैं जिनके हाथ वाथ में बुझाने में लगी है, बाकी किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं है। तो वहीं अलीगढ़ में एक घर में कार्यक्रम की तैयारी के दौरान सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिसकी वजह से आग की चपेट में आकर लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया और दो महिलाएं झुलस गईं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।